हेलो एवरीवन, सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार। मैं आपका अपना अनिल आपके साथ हाजिर हूँ आज का नया टॉपिक लेकर, हरियाणा जियोग्राफी सीरीज का, हरियाणा की नहरें। आज हम इस क्लास में हरियाणा की सभी प्रमुख नहरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हरियाणा की नहरों में सबसे पहले हमारी प्रमुख नहर रहेगी पश्चिमी यमुना नहर। जब हमने जियोग्राफी का बेसिक स्टार्ट किया था उस क्लास में हमने इस नहर के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। क्या है? सबसे पुरानी नहर है जिसको किस नाम से जाना जाता है? मुगल नहर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी यमुना नहर का कौन सा दूसरा कौन सा नाम है? मुगल नहर। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर जो है वो कहां से निकलती है? तो ये निकलती है यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से, यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से। पूर्व में जो है वो कौन सा राज्य लगता है? वो लगता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 3226 किलोमीटर। पश्चिमी यमुना नहर और इसके जो लिंक नहर है उनकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी है? 3226 किलोमीटर। ठीक है, ये नहर जो है वो कहां से निकलती है? ये निकलती है ताजेवाला नामक स्थान से। कहां से निकलती है भाई? ताजेवाला नामक स्थान से। और किन किन जिलों में ये नहर सिंचाई करती है अपने हरियाणा में? तो ये सिंचाई करती है अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल व रोहतक में। अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल व रोहतक में ये नहर प्रमुख रूप से सिंचाई करती है। एक बार फिर दोहरा देता हूं, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है जिसको हम मुगल नहर के नाम से जानते हैं। कई बार ये प्रश्न अपना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पूछ चुका है। ठीक है, यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाड़ा नामक स्थान से नहर निकलती है और इस नहर की कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है जो पूरी हरियाणा में फैली हुई है। ठीक है, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल और रोहतक आदि जिलों में ये सिंचाई करती है। इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरी सबसे प्रमुख नहर की, भाखड़ा नहर। हरियाणा की दूसरी सबसे प्रमुख नहर भाखड़ा नहर भाखड़ा नहर जो है वो कहां से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है सतलुज नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध को बना के। भाखड़ा नांगल बांध को बना के कौन से नदी पर? सतलुज नदी पर। ठीक है, ये नहर जो है अपने पंजाब से होती हुई, पंजाब से होती हुई हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? तो हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना में। कहां पर प्रवेश करती है? टोहाना में। ये प्रश्न जो है हरियाणा कंडक्टर का जो पेपर हुआ था 2017 में उसमें पूछा जा चुका है कि हरियाणा की कौन सी नहर टोहाना नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो आपका उत्तर रहना चाहिए भाखड़ा नहर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहर है हरियाणा के हिसाब से। और जितने भी मैं नहरें यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि जब पेपर होगा और पेपरों में प्रश्न पूछे जाएगा नहरों से तो यहाँ से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। हो अंत तक बने रहोगे तो सारी की सारी नहर जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। बस मेहनत करते रहना मेरे साथ और मैं गारंटी देता हूं आगे जो पेपर होगा सीईटी का उसमें हरियाणा जीके के 23 से 25% पूछे जाने हैं। 20% जो है अपनी डायरेक्ट थ्योरी की क्लास से होंगे। आजकल के जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो फेसबुक के मास्टर हैं, वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आते हैं, थ्योरी से उनको कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करवा के और अपना जो है
व्यूज वगैरह का सिस्टम बिठा के आपको बरगला के चले जाते हैं। हम यहाँ पर जो है पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है ऑप्शन वाला जो पोर्शन हमारा रह जाएगा उसको डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, आ जाओ। पंजाब से होती है हरियाणा के टोहाना में जो है प्रवेश करती है। भाखड़ा नहर से जो है कुल हरियाणा में 6 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है, यानी 6 लाख हेक्टेयर जो है ये सिंचाई करती है। भाखड़ा नहर की जो है वो 2 शाखाएं हैं हरियाणा में, 2 शाखाएं हैं इसकी, एक तो इसकी जी नरवाणा और दूसरी है बरवाड़ा। तो नरवाणा शाखा है उससे जो है कैथड़ व जींद की सिंचाई की जाती है, जिसको 2700 क्यूसेक पानी दिया जाता है, और बरवाड़ा से हिसार फतेहाबाद, हिसार व फतेहाबाद की सिंचाई की जाती है, जिसको 1700 क्यूसेक पानी दिया जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से जो भाखड़ा नहर सिरसा हिसार रोहतक के आसपास का क्षेत्र जो है वहां पर सिंचाई करती है। कहां पर करती है? मेनली जो है सिरसा हिसार रोहतक, बाकी जो है अन्य जिलों में भी ये थोड़ी थोड़ी जगह में सिंचाई करती है। यानी हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर जो है, अगर मैं यहाँ बात करूँ दक्षिणी हरियाणा की, तो भाखड़ा नहर है। अपने सिरसा हिसार फतेहाबाद में जो है पानी मोस्टली भाखड़ा नहर से दिया जाता है, तो इसको जो है जीवन रेखा भी कह सकते हैं सिरसा हिसार व फतेहाबाद की। ठीक है, उसके बाद जो है प्रमुख रूप से नहर आती है गुरुग्राम नहर, गुरुग्राम नहर जिसको कब निकाला गया, इसको निकाला गया 1970 में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गुरुग्राम नहर का निर्माण कब किया गया, तो गुरुग्राम नहर जो है वो 1970 में बनाई गई, गुरुग्राम नहर कब बनाई गई, 1970 में इसको बनाया गया। कहां पर बनाया गया इसको? दिल्ली के निकट एक स्थान है, क्या नाम है? ओखला। दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर, दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर एक बांध बनाकर इस नहर को निकाला गया, जो फरीदाबाद पलवल व गुरुग्राम इन 3 जिलों में जो है सिंचाई करती है, और साथ ही साथ जो है इन 3 जिलों में पीने के पानी का प्रबंध करवाती है। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है, तो ये नहर जो है कौन सी निकाली गई है, निकाली गई है गुरुग्राम नहर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब तक 3 नहरों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, और साथ के साथ जो है पीछे पेपरों में पूछे गए प्रश्नों का भी हमने विस्तार से वर्णन किया है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली नहर है हमारी जवाहर नहर, जवाहर नहर जिसको जो है महेंद्रगढ़ में पीने के पानी हेतु निकाला गया था। कहां से निकाला गया इस नहर को? इसको निकाला गया भाखड़ा नहर से। किस नहर से निकाला गया? भाखड़ा नहर से। इसके बाद जो है एक प्रमुख नहर आती है भिवानी नहर, जिसको जो है बीएन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। बीएन चक्रवर्ती जो है वो कौन थे? बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल थे, जो सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, तो आपका उत्तर रहेगा ओम प्रकाश वर्मा, जो केवल 5 दिन हरियाणा के
5 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में, वो केवल 5 दिन उनके साथ उन्होंने काम किया था। तो सबसे कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन रहे? ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, तो हमने बात की यहां पर भिवानी नहर की, जो कितने किलोमीटर लंबी है? 220 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है भाई? 220 किलोमीटर लंबी है, और वो 1,00,000 हेक्टेयर में सिंचाई करती है। कितने हेक्टेयर में सिंचाई करती है? ये 1,00,000 हेक्टेयर में सिंचाई करती है। अब जो है, हमने 4-5 जो प्रमुख रूप से हरियाणा में नहर थी उनका विस्तार से वर्णन किया यहाँ पर। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कई बार नहरों से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि हरियाणा की जीवन रेखा, हरियाणा की जीवन रेखा किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो हरियाणा की जीवन रेखा SYL लिंक को बोलते हैं, यानी सतलुज यमुना लिंक को हरियाणा की जीवन रेखा कहते हैं। इसके बाद जो है, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? तो भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? BN चक्रवर्ती नहर। क्या है भाई? BN चक्रवर्ती नहर। BN चक्रवर्ती जो है वो क्या है, क्या थे? हरियाणा के राज्यपाल जिन्होंने सबसे लंबे समय तक हरियाणा में काम किया। इसके बाद जो है, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जो है वो कौन सा है? वो है सिरसा। अगर मैं बात करूं सबसे कम सिंचाई वाला जिला, तो सबसे कम सिंचाई वाला जिला है वो कौन सा है? वो है पंचकुला। कौन सा जिला है भाई? पंचकुला। सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला सिरसा है, और सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? ये है पंचकुला। राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? ये होता है राज्य का मुख्यमंत्री। कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। और एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा का कुल संचित क्षेत्र कितना है? कुल सिंचित क्षेत्र, कुल संचित क्षेत्र जो है वो कितना है? 75% है। इसमें से 42.5% नहरों द्वारा सिंचित है, वह 57.5% जो है नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो ये हमारी आज की प्रमुख नहरों का टॉपिक था। हमने विस्तार से इस पे चर्चा करने का प्रयास किया, और इसमें जो है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आपको कि हमने डिस्कस किया सबसे पहले हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर, जो सबसे पुरानी नहर है हरियाणा की, इसको मुगल नहर के नाम से जाना जाता है, और ये प्रमुख रूप से जो है सोनीपत, पानीपत और करनाल कुरुक्षेत्र में सिंचाई करती है, जिसकी कुल लंबाई 3226 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया भांकड़ा नहर के बारे में। ये नहर सतलुज नदी पर भांकड़ा नांगल बांध बनाकर जो है निकाली गई है। पंजाब से होते हुए हरियाणा में ये प्रवेश करती है, और कौन सी जगह पर प्रवेश करती है? ये करती है टोहाना नामक स्थान पर। ठीक है, इसके बाद जो है, इस नहर की दो शाखाएं बना दी गई अपने हरियाणा में, जिसको क्या नाम बोला गया?
इसको बोला गया नरवाना और बरवाड़ा लिंक। ठीक है, नरवाना लिंक जो है वो कैथल और जींद में सिंचाई करता है, बरवाला अपने हिसार फतेहाबाद में सिंचाई करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी गुरुग्राम नहर की। दिल्ली के ओखला नामक स्थान से इस नहर को निकाला गया, कब निकाला गया, ये निकाली गई 1970 को। ठीक है, ये गुरुग्राम फरीदाबाद और पलवल में सिंचाई और पानी जो है प्यास बुझाती है वहां पर। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस की भिवानी नहर, जिसको बीएन चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। 220 किलोमीटर लंबी ये नहर है और इसका जो दूसरा नाम क्या है, बीएन चक्रवर्ती नहर, जो पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। तो ये हमने आज कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस की हरियाणा जीके की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हमें एक हौसला मिले, जितने व्यूज आएंगे इतना हौसला मिलेगा, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ जो है मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।